डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं कंपास सर्वेइंग। ठीक है, कंपास सर्वेइंग में हम सभी सीखने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डब्ल्यूसीबी टू आरबी या क्यूबी। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ और थोड़ा सा मिनट सेकंड तक लेकर आया। उसके प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा जिसमें डिग्री मिनट को लेकर मैंने बताया है। यहाँ पर मैंने डिग्री मिनट और सेकंड तक लिख रखा है। ठीक है, अगर आपके पास भी ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको मेरे कॉन्सेप्ट से समझ नहीं आए हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस नंबर पे आप जो भी आपके कंपास सर्वे से जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी टाइप के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वहां पर सेंड कर दीजिए। जैसा मुझे समय मिलेगा वो डाउट को मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने प्रीवियस भी कॉन्सेप्ट समझाया है, अभी भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या कर लेना की जो लिया है आपने क्या है, 318 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड है। ठीक है, 40 सेकेंड है। इस तरीके का अगर आपके पास एंगल है और ये किसमें है, डब्ल्यूसीबी में है। ठीक है, डब्ल्यूसीबी में है। आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला यूज करके फटाफट फाइंड आउट कर देंगे। फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट यूज करिए। कॉन्सेप्ट में क्या होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां पर आएगा, देखो 270 से ज्यादा और 360 से कम, तो ये एंगल यहां पर कहीं आएगा। ठीक है, यहां पर कहीं आएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल सर्कल बेयरिंग को। नॉर्थ के रेफरेंस से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में उसका एंगल जाता है। ठीक है, यहां तक 180, यहां तक 270, 270 से यहां तक आएगा, तो 318 20 मिनट एंड 40 सेकेंड है। अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट। देखो इसमें आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट आएगा, आरबी की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्थ में आएगी और वेस्ट में आएगा। ठीक है, कितना आएगा, नॉर्थ के साथ जितना एंगल बनेगा, नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनेगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 टोटल 360 होता है, उसमें से ये वाला माइनस करो तो मिल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या 360, पहले तो वही मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, 360 एज को क्लिक करोगे, देखो ये कॉमा जैसा बनाया हुआ, इसको क्लिक करो, 0 मिनट करो, 0 सेकेंड करो, जहां तक दिया हो वहां तक ये ले, फिर माइनस करना है कितना है, 318 पहले बार में डिग्री, फिर बाद में 20 मिनट एंड 40 दो बार इसके बाद क्लिक करोगे सेकंड आ जाएगा, फिर इक्वल करो आपकी वैल्यू आएगी 41 डिग्री 39 मिनट एंड 20 सेकेंड आ जा रहा है। ठीक है, इसको एक बार क्लिक करोगे ना तो आपकी वैल्यू पॉइंट, यहां देखो 41.65 डिग्री भी आता है, वैल्यू में भी आता है, और ये आपको मिनट सेकंड भी जानना है तो ये चीजें जान सकते हैं। 41 डिग्री मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या वैल्यू है, 41 डिग्री 39 मिनट एंड 20 सेकेंड, ये वैल्यू आपकी आ गई। सो उसके बाद दूसरा हम कर लेते हैं, दूसरा वैल्यू कितनी दी है, 220 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड दिया है। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कहां तक आएगा, देखो 180 से ज्यादा 270 से कम, ये नॉर्थ है, ये साउथ, सॉरी ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यहां तक 90, यहां तक 180 और ये 180 से ज्यादा और 270 से कम है, मतलब साउथ वेस्ट में आ रहा, तो आरबी की वैल्यू इसकी कहां पे आएगी, साउथ में आएगी और वेस्ट में आएगा। साउथ वेस्ट कितना वैल्यू होगा, तो ध्यान दो कि यहां पर से इतना पार्ट निकाल दें तो साउथ के रेफरेंस से मिल जाएगा ये एंगल। ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना, क्या करेंगे, डब्ल्यूसीबी की जो भी वैल्यू दी उसमें से ये 180 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। इसमें से 180 तो माइनस करना है, कितना है, वही देखो मैं कल से दिखा रहा हूं कि ताकि आपको कैलसी भी यूज करने, ऑपरेट करने आ जाए, 220 पहले डिग्री, फिर 45 मिनट, फिर 55 सेकेंड, माइनस करेंगे कितना, 180 डिग्री 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, इक्वल कर दो आ गया 40 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड, यहां पे लिख लेंगे 40 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से थर्ड पॉइंट भी फटाफट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 79 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड, ये कहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां पर आएगा, 0 और 90 के बीच में, यहां पर कहीं आएगा, ये एंगल आएगा। और जब भी मैं बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हो तो जितना भी है वही एंगल उसका, जो भी एंगल है वही एंगल इसका आ जाएगा, 79 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, इन पॉइंटों को ध्यान रखना कि 0 से 90 के बीच में आ रहा हो, देखो ना ये जो एंगल मैंने बनाया है यही तो नॉर्थ के साथ भी है ना,
तो आ गया ठीक है। वही अभी फोर्थ वाला कर लेते हैं, फोर्थ बी कर लेते हैं, कितना दिया 130 डिग्री 40 मिनट 20 सेकेंड ठीक है। क्या करेंगे कॉन्सेप्ट पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, अगर वैसे आप करते हो ना तो सामने जो चेक करने वाला है ना आपकी जो आंसर शीट को चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, वो फटाक से आपको राइट कर देगा। लेकिन फॉर्मूले बेस पे करोगे तो फॉर्मूले कई बार याद नहीं रहते, कई बार गलत भी हो जाता है फॉर्मूले, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ये कभी गलत आपको नहीं होने देगा। कहां पर आ रहा है 90 से ज्यादा 180 से कम है, यही तो कहीं आएगा, ये एंगल आएगा। मुझे चाहिए साउथ के रेफरेंस से, आरबी की वैल्यू जो आएगी वो कहां पे आएगी, साउथ और ईस्ट में आएगी। एंगल ये होगा, ये एंगल कैसे मिलेगा, टोटल यहां से लेकिन यहां तक 180 है, उसमें से ये डब्ल्यूसी में माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब 180 में से इसको माइनस करेंगे तो मिल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, देखिए कैलसी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, जिनको आ रहा है उसके लिए तो बेटर है, जिनको नहीं आ रहा है तो वो यहां से सीख लें ठीक है। या तो आपके आसपास कोई है जिसको कैलसी ऑपरेट करने आता है तो उससे सीख लें, क्योंकि बिना कैलसी के जहां मिनट सेकंड वाला होगा ना वहां बिना कैलसी से आपको रॉन्ग कर देंगे ठीक है। कैलसी ऑपरेट करना सीख लें, कितना है पहले तो 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड माइनस कितना करना है 113 डिग्री कर दिया, फिर 40 मिनट किया, फिर 20 सेकंड कर दिया, इक्वल किया तो आ गया 66 डिग्री, कितना है 66 डिग्री 90 मिनट 40 सेकंड, ये वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट का यूज कर लोगे। चलो एक और मैं आपको बता देता हूं, अगर इतना आ गया 90 डिग्री डब्ल्यूसीबी की वैल्यू आ गई तब क्या करोगे, तब क्या लिखोगे, 90 डिग्री आ गया या तो 180 डिग्री आ गया तो क्या करोगे ठीक है, या 270 डिग्री आ गया तो क्या करोगे, या 360 डिग्री आ गया तो क्या लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखो अगर 90 को रिप्रेजेंट करना है, मैं 90 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये नॉर्थ है साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है, 90 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ये 90 डिग्री ये आएगा ठीक है। तो आप इसको देखो यहां पर जब भी लिखना हो ना तो आप क्या लिखोगे, ये देखो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है साउथ ईस्ट, यहां से भी 90 डिग्री है और यहां से भी 90 डिग्री है, तो आप नॉर्थ भी 90 डिग्री ईस्ट लिख सकते हो, साउथ भी 90 डिग्री ईस्ट लिख सकते हो। देखो नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट या साउथ 90 डिग्री ईस्ट, तो इसको लिखने के लिए सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज करो ना, ये नॉर्थ साउथ तो नॉर्थ लिखो चाहे साउथ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आरबी में नॉर्थ और साउथ ही लेते हैं लेकिन ये कॉमन है, तो इसका 90 डिग्री ईस्ट ये आंसर हो जाएगा ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। वही 270 को देखो, 270 कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां से भी तो 90 डिग्री है और यहां से भी तो 90 डिग्री है और ये वेस्ट है, तो इसका क्या होगा 90 डिग्री वेस्ट आएगा। इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे ठीक है, इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से मेरा सॉल्यूशन था, अगर फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में नहीं आया, कैलसी ऑपरेट करने नहीं आ रहा है, तो इन सब चीजों को देख के अपने आप को बेटर बनाते रहिए। सर्वेइंग में जो कुछ भी डाउट हो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अबाउट चैनल में देके रखा है, वहां पर आप व्हाट्सएप पे आप सर्वेइंग से रिलेटेड क्वेश्चन सेंड करो, जैसे ही मुझे समय मिलेगा उस समय पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते रहिए और अपने फ्रेंड को, आपके दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए कि ताकि आपकी एक शेयर की वजह से उनको बेनिफिट मिल सके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए कि ताकि जैसे जैसे अनदर वीडियोज मिलेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। So thank you for watching this video.